अखंडता में एकता का प्रतीक बना सोलन में आयोजित कार्यक्रम अभिनय। सोलन में फिलफाट फोरम संस्था द्वारा 33वीं राष्ट्र स्तर की 7 दिवसीय नाट्य और नृत्य प्रतियोगिता अभिनय 2019 का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर बीते दिन क्लब द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सोलन के माल रोड पर पारंपरिक वेशभूषाओं से सुसज्जित विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपने राज्यों की संस्कृति से सभी को भारत दर्शन करवाए। शहरवासियों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का खूब आनंद उठाया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 16 राज्यों की करीब 35 सांस्कृतिक दलों के 500 से भी अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की संयोजक रश्मि धार सूद ने कहा कि यह आयोजन अखंडता में एकता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश भर से आए कलाकार अपने राज्यों की संस्कृति से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं, जिससे लोगों को उनकी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। चलिए आइए देखते हैं कार्यक्रम की संयोजक रश्मि धार ने आगे क्या कहा। फिलफोर्ट की ये 33वीं सालगिरह है और यहाँ पर झांकी जो है वो निकाली जा रही है। पूरे 16 जो स्टेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 550 से ऊपर जो है वो कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरे छोटा सा भारत जो है वो शूलिनी की नगरी में सिमट गया है और आज पूरी के पूरे सोलन में शूलिनी माँ का जो आने वाला हमारा मेला है उसका आगाज फिलफोर्ट के इस झांकी से प्रारंभ हो गया है। मुझे खुशी है कि हमारी जो 16 स्टेट्स यहाँ पर आई हैं उनकी विविध जो संस्कृति है उसको देखने का मौका सोलन के जो वासी है उनको मिल रहा है और हम कलाकारों को सीखने का बहुत कुछ जो समय है वो ये हमें प्राप्त होता है। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।